आज कृष्ण जन्माष्टमी का पावन दिन है और सभी मेरे भाई बंधुओं को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ हर वो हिंदू का एक सपना था, राम मंदिर तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मेरे भाइयों, आप सबने देखा होगा कि भारत में हिंदूवादी सरकार बनने का कितना लाभ होता है। हमारा सपना था कि धारा 370 हटे, हमारा सपना था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, और हमारा यह भी सपना है कि जहां पर मेरे कृष्ण जी का जन्म हुआ वो स्थान पर जो बना हुआ है किसी का ढांचा, वहां पर बनी हुई एक मस्जिद, जिस तरह से बाबर का ढांचा गिराया गया उसी प्रकार से मथुरा की जो बनी हुई जो भी चीज है उसको हटाकर जहां पर मेरे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ वहां पर भव्य मंदिर बने, ये मेरा नहीं पूरे भारत वासियों का सपना है, कृष्ण भक्तों का सपना है। और आज जन्माष्टमी का बहुत ही पावन दिन है, और आज मेरे भाई बंधु कहना चाहूंगा कि हिंदूवादी सरकार है तो हर चीज मुमकिन है। मैं आपको इतना तो आश्वासन देना चाहूंगा कि योगी जी है, और आने वाले समय में योगी जी के नेतृत्व में भव्य मथुरा में कृष्ण भगवान का मंदिर बनेगा, और जो भी वहां पर छोटी मोटी जो दलिद्री है जो बनी हुए मस्जिद सारी के सारी हटाई जाएगी और भव्य कृष्ण भगवान का मंदिर बनेगा। मुझे योगी जी पर विश्वास है मेरे भाइयों, आपको भी विश्वास होगा। और मथुरा के बाद में काशी का नंबर आएगा, जहां पर हमारे शिवलिंग को तोड़कर मंदिर तोड़कर इनलीगल एक ढांचा भी खड़ा किया गया, और मथुरा के बाद में मेरे भाइयों काशी में भी भव्य भगवान भोले का मंदिर बनेगा। बोलो भारत माता की जय।